नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त शैंटी सूर्यवंशी, शैंटी वीडियो क्रिएटर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में। गाइज, आपको पता होगा कि अभी 3 तारीख से लगाकर 8 अक्टूबर तक स्टेट लेवल की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन प्रतापगढ़ राजस्थान में किया गया था, जिसका आज समापन समारोह है। और आज के इस प्रोग्राम में सभी जो भी प्लेयर्स जो स्टेट लेवल की टूर्नामेंट को विन किया है, उसका उनको ट्रॉफी के साथ और उनको सर्टिफिकेट के साथ इसको इस समापन पुरस्कृत करके एक नेशनल लेवल के लिए इनको आगे की ओर प्रमोट करेंगे। तो गाइस, चले आइए देखते हैं आज का प्रोग्राम, आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल में सभी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने सभी दिन की वीडियो अपलोड किए हैं, और आप चैनल में जाके ज़रूर देखें। और आपसे अभी एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। चलो आज शुरुआत करते हैं आज के इस समापन समारोह। स्वागत उद्बोधन और संक्षिप्त परिचय प्रदान करें। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में विराजमान जज साहेब, डीओ साहेब माध्यमिक, वीडियो साहब भट्ट साहब, मुख्य पर्यवेक्षक बीकानेर से श्री, और हमारे शिक्षक संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष जो आपके सामने विराजमान है। आप सभी के लिए ये परिचित है, मगर जो बाहर की टीम है, 3-4 है बैठी है, उनका परिचय अतिथि से होना बहुत जरूरी है। इस प्रतियोगिता जो कि संसद हुई है, नाम को मगर दूसरी प्रतियोगिता है। पहली प्रतियोगिता शतरंज की बीकानेर में हुई थी और द्वितीय यहाँ पर हुई। ये एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता है, क्योंकि आने वाले समय में लेटर गया है यहाँ से कि 17-19 वर्ष की प्रतियोगिता अलग अलग करी जाए, 20 हो गए तो 1000 प्रतिभागी, और उसमें ये 5 से अगर टीम कम आती है तो पहले राउंड में आउट हो जाती है। इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं कि 5 ही आए, तो अब 1000 बच्चों की व्यवस्था करना, इसलिए लेटर गया है यहाँ से कि अलग अलग होगी तो ज्यादा सुविधा होगी, बच्चों को भी कम तकलीफ आएगी। फिर भी सभी बच्चे आए, मेरे लिए गर्व की बात है, अर्तावर के लिए गर्व की बात है कि 1000 में से 922 बच्चे यहाँ पर आए और उनके निर्णय वगैरह में गिने जाए 1000 से ऊपर संख्या में। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है, आज तक यहाँ पे इतने बच्चे नहीं आए। बच्चों को व्यवस्थित अलग अलग संभाग में चलाया गया, गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था की गई, फिर भी घर से निकलते ही असुविधा हो जाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम। एक बार घर छोड़ा, घर जैसी सुविधा कहीं पर नहीं मिलती, तो थोड़ी बहुत असुविधा हो गई होगी, मगर कुल मिलाकर सभी बच्चों ने यहाँ आनंद से अपना समय बिताया। 2 तारीख को बच्चे यहाँ पर आ चुके थे, जैसे
लगे रहे, आप आश्चर्य करोगे, सुबह 8 बजे से सर, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक नहीं चले, कंटिन्यू, बीच में एक घंटे का रेस्ट रहा। ये जो साथी जानते हैं 47 से लेकर और 52 तक, मैं जैसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, हम 7 तारीख तक पहुंचे, 7 को मेरे पास सेक्रेटरेट से, बीकानेर निदेशालय से इन व्यक्तियों के फोन आने लगे। इस प्रतियोगिता में अपना सहयोग दिया है उन सभी का मेरी तरफ से, विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः जो मंच में विराजमान है हमारे अतिथि महोदय, उन सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद जय भारत, उसी नारे के साथ, एक व्यक्ति जीतेगा दूसरा व्यक्ति सीखेगा, हारेगा नहीं, एक व्यक्ति जीतेगा दूसरा व्यक्ति सीखेगा। जय हिंद जय भारत। सिखाने की संकल्पना अपने साथ लेकर आया था, हार और जीत को लेकर नहीं आया था। उनका मकसद यह था कि किस प्रकार से आपके नोटेशन किस प्रकार लिखे जाते हैं, हम लोगों ने भी सर पहली बार ये शब्द सुना। मैं निवेदन करूं परम सम्मानी मुख्य अतिथि महोदय श्री शिव प्रसाद जी तंबोली साहब से, सर पधारे और इस अवसर पर अपना उद्बोधन आशीर्वाद प्रदान करें। प्रतापगढ़ में आयोजित की गई, सर्वप्रथम मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सफलता अर्जित की है। वे बच्चे जो किसी कारण से सफलता का वो मुकाम प्राप्त नहीं कर पाए जो वो चाहते थे, उन्हें निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। परिगण मंच पर शोभायमान समस्त महानुभाव, खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए स्थापित विभिन्न 17 वर्ष छात्र में मैं पहले आमंत्रित करूंगा एकल स्पर्धा के छात्रों को।
श्री प्रसाद तंबोली सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित संसदीय राज्य स्तरीय छात्र छात्रा की राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का मैं समापन की घोषणा करता हूँ। मुख्य अतिथि और शिक्षकगण, टीम प्रभारी, प्यारे छात्रों, छात्र छात्राओं और जितने भी शतरंज के खिलाड़ी उन सबको और संख्या पधारे और इतना समय दिया उनका भी आभार, धन्यवाद उनका। उज्जवले परिवार का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। गाइस जैसे आपको पता है कि ये जो प्रतियोगिता आयोजित होगी तो अपना हर प्रकार की सहायता और जो तन मन धन से सहयोग करते हैं जरूरी है और यही देखने को आज मिला है और ये हमारे प्रतापगढ़ से ही है और हम इनसे थोड़ा सा इनके बारे में इंटरव्यू ले लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से हेल्प की, किस प्रकार से इन्होंने सोचा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दिए और कहाँ से हो और किस प्रकार से आपने इस प्रतियोगिता में सहयोग किया। मेरा नाम नीलेश कुमारी मीणा है, मैं गांव खरकड़ा से हूँ। मेरे पिताजी का नाम अमृतलाल जी मीणा है और मैं हाई सेकेंडरी स्कूल का पढ़ती हूँ और क्या जी पी। मतलब आपने इस प्रतियोगिता में किस प्रकार से मतलब सहयोग, हमने जो बाहर से आए सभी को व्यवस्थित खाना खिलाया उनका रेंज बिना हमारा। गाइस यानी कि इन्होंने जितने भी मतलब 50 यानी 50 जिलों से जितने भी लोग आए थे सबके लिए इन्होंने खाने की व्यवस्था की, इन्होंने पूरी डटे रहे हैं दिन रात एक की उन्होंने और इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको पेपर वाइज में हो रहा है कि इनको बराबर सुविधा नहीं मिली है। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पर्सनल प्रोग्राम नहीं था, ये एक मतलब पूरा राज्य का प्रोग्राम था और थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होती है उसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो बनता है यार। एक तो मैं यूट्यूब छठी वीडियो क्रिएटर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रियम जैसे कि आज का जो प्रोग्राम आपने पूरा इस वीडियो में देखा है, इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि जो भी प्लेयर शतरंज के प्लेयर आए थे अलग अलग जिलों से जिन्होंने आज इस टूर्नामेंट में विन विजेता हुए हैं और आज वो जीत चुके हैं जिनको पुरस्कार और सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया है और उनको अग्रिम बधाई और हमें सभी जितने भी खड़े हैं इन्होंने काफ़ी खड़े हैं काफ़ी सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट में। तो चाहिए आए इनसे एक बार बात कर लेते, हालांकि थोड़ा तो इनसे पूछे हैं। तो बेटा कैसा लगा है आपने इस प्रतियोगिता में सहयोग कर और आगे ऐसा मौका मिलता है तो आप जाना चाहोगे? ये बिल्कुल इसी विद्यालय की छात्राएँ हैं जो कि आपने शतरंज में भी हिस्सा बना? नहीं 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 सर। क्यों सर? अच्छा ये हम कोशिश करेंगे अगले साल जो भी टूर्नामेंट हो उसमें आप लोगों हिस्सा बने। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रतियोगिता का ये लास्ट वीडियो था, अगली प्रतियोगिता के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से हम लेते हैं बाय बाय।